हेलो दोस्तों, ग्रंथालय एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स। बहुत दिनों से कमेंट में ये क्वेश्चन हमेशा पुटअप हो रहा था कि सर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से हम बैचलर करते हैं या मास्टर डिग्री करते हैं तो हमारे पास जॉब का क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी और कहाँ पर इसका जॉब आता है और हमें क्या क्या पोस्ट मिलती है, इस कोर्स को करने के बाद हमें जॉब कहाँ कहाँ मिलती है। तो इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स करना चाहते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपके कौन सा पोस्ट पे जॉब लगेगा, यानी जॉब टाइटल क्या है, रिक्रूटर यानी कि आपको कौन सी एजेंसी आपको हायर करेगी, इसकी सैलरी क्या मिलती है इसमें, और टोटल बिलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या एमलिस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कोई भी कोर्स करते हैं तो ये कॉमन चीजें हैं। ये वीडियो सभी के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करियर एंड जॉब इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स के बारे में। देखिए, इसमें भारत की बात किया जाए या किसी भी कंट्री की, तो लाइब्रेरियन का जॉब जो होता है मोस्टली होता है एजुकेशन सेक्टर में, जहां पे होता है। आपका कौन सा जॉब टाइटल आपको क्या मतलब कि एजुकेशन सेक्टर में या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब लगती है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जॉब टाइटल क्या मिलेगा आपको। देखिए, वहां पे आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट बन सकते हैं। देखिए, लाइब्रेरियन का पद जो होता है वो लाइब्रेरियन असिस्टेंट से एक ग्रेड ऊपर होता है, और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट बन सकते हैं, लाइब्रेरियन अटेंडेंट बन सकते हैं, और डिप्टी लाइब्रेरियन बन सकते हैं या सीनियर इंफॉर्मेटिक एनालिटिक बन सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, आप ये जो कोर्स करते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, इसमें आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि कैसे हम बुक को मैनेज करेंगे, कैसे हम डॉक्यूमेंटेशन को ऐसे रखेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि हम एक बार में मतलब जल्दी से जल्दी उसे खोज पाए, हम अपने जो रीडर हैं उनको प्रोवाइड कर पाए। तो एक तरह से वो एक तरह का सजावट है, यानी कि अरेंजमेंट है। तो ये चीजें बहुत जगह ये काम की चीजें होती है। जैसे आप मार्केटिंग में आपको जॉब लग सकता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आपने कोर्स किया है, तो वेब कंटेंट मैनेजमेंट एंड डिजाइनिंग, जहां भी मैनेजमेंट का काम हो वहां पे लग सकती है, नॉलेज मैनेजमेंट के डेटाबेस डेवलपमेंट में लग सकती है, रेफरेंस टूल डेवलपमेंट में, और इंफॉर्मेशन सिस्टम पब्लिशिंग और इंटरनेट कोऑर्डिनेशन में आपका जॉब लग सकता है। तो ये सब मतलब कि ये जो मार्केटिंग, एज ए मार्केटिंग के लिए आपको जॉब लग सकता है, या डाटा डाटाबेस डेवलपमेंट के पद पे आपको लग सकता है, या पब्लिशिंग या इंटरनेट कोऑर्डिनेशन के पद पे आपको जॉब लग सकता है। तो ये सब पोस्टिंग है, एक तरह का पोस्ट है कि आपका जॉब टाइटल क्या क्या हो सकता है। तो मेनली ये है, और कुछ जगह यहाँ भी आपको जॉब भारत में मिल सकती है जहाँ पे ये सब काम होती है। उसके बाद देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको जॉब लगेगी। देखिए, सबसे ज्यादा जॉब निकलती है जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में निकलती है। तो स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, देखिए यहाँ पे हमने पहले जो बात किया था कि आपको लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी असिस्टेंट और इंफॉर्मेशन, ये सब किसी लाइब्रेरी के पद है, लेकिन इसके अलावा आपका एक और जो ऑप्शन है वो टीचर का है। तो टीचर का ऑप्शन में प्रोफेसर होता है, तो प्रोफेसर में आपको एमलिस और आपका जो नेट क्वालिफाई बच्चे होते हैं उनके लिए आता है। तो वो सब यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका प्रोफेसर का एक जॉब जो है वो आपके पास भी लग सकता है, अगर एमलिस करने के बाद आप नेट वगैरह क्वालिफाई करते हैं तो इस फील्ड में आप करियर बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, और कोई भी बिलिस पे प्रोफेसर का जॉब नहीं आता है। उसके बाद बात करते हैं कि और कहाँ जॉब लग सकती है। आप देखिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको लाइब्रेरियन अटेंडेंट या असिस्टेंट लाइब्रेरियन या लाइब्रेरियन के पद के लिए वैकेंसी आती है और वहां लग सकती है, या आप प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर को काफी कम सीट आती है, लेकिन लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन असिस्टेंट, सबसे ज्यादा लाइब्रेरी असिस्टेंट का सबसे ज्यादा पोस्ट आता है। देखिए, अभी हाल में DSSSB में, यानी दिल्ली स्कूल में, दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें 200 के अप्रोक्स, 200 हो गया, 200 के अप्रोक्स सीट वैकेंसी निकली हुई है, जिसका अभी भी एग्जाम नहीं हुआ है, कोरोना काल में एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम को टाल दिया गया है। उसके बाद राजस्थान में RRSB, आई थिंक राजस्थान में ये निकली है, राजस्थान SSB के थ्रू ये जॉब निकली थी लाइब्रेरियन पोस्ट के, उसमें आई थिंक 11 या 2000 के अप्रोक्स पोस्ट आई हुई है। इसके बाद आपके जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे जहाँ पे लाइब्रेरी है उसके लिए जॉब निकलती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरी जितने हैं, जैसे खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना
या नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, या जो आपका राष्ट्रपति भवन की लाइब्रेरी, या आपका विधानसभा में लाइब्रेरी होती है, या आपका संसद भवन में लाइब्रेरी होती है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिए कि विधानसभा, संसद भवन या नेशनल लाइब्रेरी, इसमें काफी एक्सपीरियंस मांगा जाता है। आपके पास 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली में ये जॉब आई हुई है। आप अप्रोक्स 3 सीट है, ज्यादा सीट नहीं आती है इस फील्ड में किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसमें आपको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इस तरह, लेकिन जब लाइब्रेरियन असिस्टेंट या लाइब्रेरियन का पोस्ट आता है जो कॉलेज स्कूल में, उसमें आपसे कोई ये नहीं मांगा जाता है। आपको बस कंप्यूटर का नॉलेज मांगा जाता है कि आपके पास बेसिक कॉलेज कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरी के बारे में बात कर लिया हम लोग। देखिए, ट्रेनिंग सेंटर जो बैंक होते हैं उनमें आता है जॉब, लेकिन उसमें भी आपसे एक्सपीरियंस मांग लिया जाता है। उसके बाद नेशनल म्यूजियम एंड आर्काइव्स। देखिए, नेशनल म्यूजियम की मैंने बात किया था कि नेशनल लाइब्रेरी या नेशनल म्यूजियम जो होता है, उन सब जहाँ बुक का यूज होगा, चाहे देखिए नेशनल साइंस लाइब्रेरी है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है। देखिए, नेशनल साइंस लाइब्रेरी आईआईटी दिल्ली में है, चाहे नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एम्स दिल्ली में है, चाहे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता में है। तो ये सभी जगह यहाँ पे जॉब आता है। इसके साथ साथ एनजीओ वर्किंग डिफरेंट एरिया में कभी कभी जॉब आती है। अब इसके साथ साथ देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जितना है भारत के, जैसे आईसीएआर, आईसीआई, सीएसआईआर और डीआरडीओ, या जो भी है, जितने भी रिसर्च सेंटर है, डीआरडीओ, इसरो भी है, इवन इसरो में भी आई हुई है जॉब। तो इन सभी जगह आपका लाइब्रेरी का जॉब आता है। इसके बाद बिजनेस हाउसेस जो है, जैसे जो बड़े बड़े बिजनेस है, वहां पे डाटा को मैनेजमेंट करने के लिए आपको हायर किया जा सकता है। फॉरेन एम्बेसी वगैरह में, हाई कमीशन में, भारत सरकार, जहाँ पे भी जो एम्बेसी होती है, भारत सरकार का दूतावास होता है या सेक्रेटरियट होता है देश में, वहाँ सभी जगह लाइब्रेरी होती है। तो वहां पे भी आपका लाइब्रेरियन का पोस्ट आता है। लेकिन देखिए, फॉरेन एम्बेसी वगैरह में जाने के लिए आपको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हासिल करना होगा अपने स्टेट या कहीं पे भी लाइब्रेरी में काम करके। उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर में भी WHO, यूनेस्को, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक वगैरह में आता है, लेकिन चाहे IMF वगैरह में। तो वहां पे आपको फिर एक्सपीरियंस की बात है, और फिर काफी मतलब इसमें आपको टैलेंट की जरूरत है। आपका स्पीकिंग वगैरह भी काफी फ्लुएंट होना चाहिए, काफी अच्छा क्वालिटी का आपका पर्सनैलिटी, और मतलब पर्सनैलिटी इन द सेंस कहने का मतलब कि आपका जो माइंड है वो काफी शार्प होना चाहिए। लेकिन जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में है उसमें आप करियर बना सकते हैं, और कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद आप इन सब जगह मूव कर सकते हैं 4 साल 5 साल के बाद। उसके बाद लाइब्रेरी इन मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जितने भी मिनिस्ट्री है, जैसे होम मिनिस्ट्री या आपका MHRD मिनिस्ट्री होती है, चाहे जितनी मिनिस्ट्री होती है, सब में अपना इंडिविजुअल लाइब्रेरी होता है। वहां भी ये पोस्ट निकलती है, लेकिन वही 2 3 4, इससे ज्यादा नहीं निकलती। उसके बाद नेशनल लेवल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जितने भी हैं, उसके बाद लाइब्रेरी नेटवर्क है, न्यूज पेपर लाइब्रेरी, जो भी न्यूज पेपर जो होती है वहाँ भी लाइब्रेरियन का पोस्ट आता है, न्यूज चैनल में लाइब्रेरियन का पोस्ट आता है, रेडियो स्टेशन में आता है, फिर डाटाबेस प्रोवाइडर जितने भी फॉर्म होते हैं डाटाबेस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ भी लाइब्रेरियन का जॉब आता है। ठीक है, पब्लिशिंग कंपनीज एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्स एक्सट्रैक्ट बिब्लियोग्राफिक्स, ये सब जो सेंटर होते हैं वहाँ पे आते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो भी डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, तो ये काफी इसको ढीला सिली कर दिया है भारत सरकार ने, लाइब्रेरी को प्रमोशन मतलब किया है, नहीं खोला जाता है देश भर में। लेकिन कुछ जगह जो आपका साउथ इंडिया है या राजस्थान है, दिल्ली है, ये सब जगह जॉब आती है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे यूपी है, बिहार है, तो यहाँ काफी कम लाइब्रेरी है, मतलब कि पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। जो जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइब्रेरी है, वहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइब्रेरी में ही जॉब आती है। लेकिन आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई जगह पब्लिक लाइब्रेरी है, या साउथ इंडिया में आपको पब्लिक लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, तो वहां पे आप करियर बना सकते हैं। ट्रेनिंग एकेडमी जितने होते हैं जहाँ पे लाइब्रेरियन का ट्रेनिंग दिया जाता है, या और भी तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, वहां पे भी जॉब निकलती है इसकी। ये तो था सभी जॉब के बारे में। अगर सैलरी की बात करें तो देखिए, जितने भी सैलरी होती है लाइब्रेरियन के, ये सब प्रोफेसर के बराबर होती है। मतलब इसका सैलरी जो जहाँ पे भी आपको प्रोफेसर और टीचर होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। यानी कि अगर टीचर या प्रोफेसर का किसी यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग सैलरी 50,000 है, तो लाइब्रेरियन का भी 50,000 ही होगा, उससे कम नहीं होगा, क्योंकि उसका जो इक्विवेलेंट है वो काफी मतलब अच्छा लेवल का माना गया है प्रोफेसर के तौर पे। क्योंकि देखिए, बेसिक ग्रेजुएशन आप करते हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप लाइब्रेरियन बनते हैं। मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद आप 1 साल का BLS करते हैं, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फिर 1 साल का MLIS करते हैं, उसके बाद PhD के लिए जाते हैं। तो ग्रेजुएशन और आपने 1 साल का फिर लाइब्रेरी किया, तो आपका पढ़ाई भी उसी लेवल का है, प्रोफेसर लेवल का, और ये जॉब भी प्रोफेसर लेवल का है, तो आपका सैलरी भी अच्छा होता है। लेकिन ये जो अगर मान लीजिए कि आप DRDO, इसरो, दिल्ली में अगर आप
आईआईटी दिल्ली में जैसे वैकेंसी निकली हुई है तो उसका 57 जैसे स्टार्टिंग है, 1,24,000, 1,26,000 तक उसका हाईएस्ट पेमेंट है, मतलब आपका इंक्रीमेंट होते होते 1,26,000 तक मिल सकता है, लेकिन 57,000 से शुरू है वहाँ। तो इसी तरह से सब जगह इसी यही क्रटेरिया है, दिल्ली पब्लिक स्कूल या दिल्ली में जो वैकेंसी आई है 200, उसकी भी सैलरी जो है 52,000 रुपया है, 50 या 52,000 के अप्रोक्स है। तो आपको सैलरी गवर्नमेंट में पता लगा 6 लाख का आपको पैकेज मिनिमम पर ईयर मिल जाएगा। लेकिन यही पैकेज अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, मतलब लाइब्रेरियन में इंडिया में, तो 2 से 4 लाख पर एनम आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। स्टार्टिंग में देखिए 15,000 से 20,000 तक मिल जाए आपका जॉब, मतलब कि अगर बहुत अच्छे कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आप करते हैं, आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा है तो आपको 30-40 भी मिल सकता है, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप 2 से 4 लाख पर एनम के बिटवीन में, मतलब इसके अप्रोक्स मान सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वहां पे काफी अच्छा पैकेज है, 6 लाख 7 लाख का पैकेज आपका स्टार्टिंग है। तो इसके बाद आप अगर और कोई क्यूरी है जॉब से रिलेटेड, कहाँ जॉब लगती है, तो मैंने ये बता दिया आपको सैलरी क्या है और आपका क्या क्या पोस्ट मिल सकता है वहाँ पे। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने डिस्कशन किया और कोशिश किया कि आपको आपका कन्फ्यूजन दूर किया जाए। फिर भी अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर हमें टाइम मिलेगा अच्छा से तो मैं कुछ दिनों पर आपका कमेंट रिव्यू करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, तो वो मैं जवाब दूंगा। आप हमारे वेबसाइट libraryscience.in पे जरूर विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल है telegram.me/library_science, इस पे आप या आप लाइब्रेरी साइंस क्लिक कीजिएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। इसके साथ साथ फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और मैं बता दूं कि अगर आप इंडिया से हैं, मतलब आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आप हमारे फेसबुक, ठीक है, फेसबुक पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक करके वहां पे हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर आप व्हाट्सएप का लिंक आप हमें दे दीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आउटसाइड आप इंडिया के हैं, जैसे पाकिस्तान से हैं वगैरह से हैं, तो मैं बता दूँ सिक्योरिटी के लिहाज से मैं थोड़ा सा इसमें कोताही बरत रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं नहीं ऐड कर सकता आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी को लेकर मैं चिंतित रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।